विभाग प्रस्ताव उपरे मोहर लागिपारे। विशेषकर कृषि समवाय विभाग प्रस्ताव उपरे बाजिपारे मोहर। समवाय विभाग में केतेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियाजाइपारे। एथिसहित कालिया योजना उपरे मध्य गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति होइपारे। आज संध्या रे राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक बसुची। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार यह बैठक बस विभिन्न प्रस्ताव उपरे मोहर लागिबार संभावना रही। विशेषकर कृषि और समवाय विभाग को फोकस करा। समवाय विभाग में केतेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियाजाइपारे एवं कालिया योजना उपरे मध्य गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति होइपारे। सचिवालय परिसर अच्छा आम प्रतिनिधि थबीर सामल पाख जा। थबीर, जो गुरुत्वपूर्ण बैठक आज बसुची सचिवालय जो भाव में कृषि और समवाय विभाग को फोकस करा कौन लगुच आलोचनार संभावना रही। देखो आउ किसी समय मध्य आरंभ हम राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक बस जो कि मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बस गुरुत्वपूर्ण बैठक में पखापाखी बारटी प्रस्ताव उपर मोहर लगिपे। जहाँ सूचना जदि आनुष्ठानिक भाव गणमाध्यम को दि जाए तेज यही बारटी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव भितर कृषि संपर्कित समवाय विभाग खाद्य और जोगाण विभाग तांग को साधारण प्रशासन विभाग किसी प्रस्ताव आसपा जो थी कि कैबिनेट मोहर मारिपे। आज कारण जदि आप देखिए किसी दिन पूर्व सप्ताह पूर्व कालिया योजना जहाँ राज्य सरकार घोषणा करथिले कृषि कृषि एवं कृषक आर्थिक और सामाजिक विकास क्षेत्र में जो योजना करा से योजना बाबद को अर्थ व्यवराधर एवं किसी योजन परिवर्तन आने आज बैठक में निष्पत्तिपे और जहाँ को कैबिनेट मोहर मारिपे। अंपटे जदि आप देखिए राज्यर जहाँ निजस्व खाद्य सुरक्षा योजना कार्यकारी होती साधारण बंटन व्यवस्था किसी परिवर्तन अणाजार संभावना जथेष रही। तेणु खाद्य और जोगाण विभाग प्रस्ताव में कैबिनेट आज मोहर मार संभावना रही। यह सांग को देखिए समवाय विभाग कि गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव आसपा जो थी कि कैबिनेट को जहाँ उपस्थापन होगापर हूँ तो कैबिनेट मोहर मिलपे। तेज जहाँ 5:45 बैठक आरंभ हम मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बस बैठक में जोग देवाई राज्य मंत्रिमंडल सदस्य मैंने आसी सारे और किसी समय पर बैठक आरंभ होगापे जहाँ जमापड़ हूँ तो कैबिनेट क्यों कौ प्रस्ताव गुड़िक मोहर मरा जाए। अंपटे जदि आप देखिए गोटे प्रकार राज्य राजनीति बर्तमान सरगरम कारण तीन दल बर्तमान आक्टिव मोड्रे अनेक योजना और नुआ योजना को नहीं जथेष्ट संभावना रही। कारण गोटे पटे केन्द्र सरकार जहाँ योजना आसूम अंपटे केन्द्र सरकार निकट गत कैबिनेट अनेक निष्पत्ति नहीं। तेणु जेहेतु इलेक्शन इयर रही आग को जेहेतु साधारण निर्वाचन तेणु राज्य सरकार हूँ तो किसी लोकाभिमुखी योजना संपर्क में आज कैबिनेट एक बड़ घोषणा हो पारे संभावना रही। तेज जहाँ भी हो कारण बैठक आरंभ होगापर एने गणमाम को सूचना दिजा मुख्य शासन सचिव ब्रीफ करेंगे। तेणु बैठक पर स्पष्ट हम जे कैबिनेट क्यों प्रस्ताव में मोहर मिली एवं किसी नुआ योजना आसी ना क्यों किसी जहाँ पूर्व घोषणा योजन किसी परिवर्तन अणा जाए आलोचना करुचे कालिया योजना उपरे मध्य गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाय पारे। किंतु कालिया योजना जेतेबेले मुख्यमंत्री घोषणा करथिले ताकु नै अनेक विरोधाभास मध्य जारी कोन लागुचे ए योजना को नै। देखो गोटे पटे जहाँ तीनोटी राज्य में जितेबाला छत्तीसगढ़ कहतु राजस्थान कहतु मध्यप्रदेश कहतु कृषि ऋण छाड़ घोषणा है राज्य सरकार को उपरे चाप बढ़ी जहाँ विरोधी अभियोग आनी कृषि ऋण छाड़ प्रसंग को नहीं दाबी दोहराइले। तेज मुख्यमंत्री से दिन कही आर्थिक दृष्टिकोण जहाँ सांप्रतिक जदि आर्थिक व्यवस्था को देखा जाए तो ऋण छाड़ा अपेक्षा कालिया योजना जथेष भल कारण ऋण छड़ा कले 8 लाख चाषी जदि उपकृत हे कि 30 लाख चाषी सुविधा दृष्टि कालिया योजना बेस सहायक हो राज्य सरकार पक्षर जुक्ति बढ़ा जाता जुक्ति कराइला। तेणु मोटामोटी कह गए से जहाँ 10,000 टंका चाषी को एवं जो मैंने भाग चाषी अच्छा से मूर सुविधा मिल चाषी इन्सुरेन्स सुविधा यह सब व्यवस्था कालिया योजना रही। तेरे से किसी आर्थिक जदि आप देखिए जेहेतु व्यवराद बाबद को हूँ तो आज किसी नुआ मोहर लगिपे कहुच्छी हूँ तो किसी प्रोत्साहन राशि को वृद्धि करें कि योजना कार्यकारी क्षेत्र में जदि किसी आवश्यक थी से अनुसार राज्य सरकार आज निष्पत्ति नहीं पारती।
अंपटे जब आप देखिए राज्यर निजस्व खाद्य सुरक्षा योजना जहाँ घोषणा कार्यकारी भी होती साधारण बंटन व्यवस्था जहाँ पीडीए सिस्टम रही गोटेपटे जातीय खाद्य सुरक्षा योजना अंपटे राज्यर निजस्व खाद्य सुरक्षा योजना रही थी बंटन व्यवस्था किसी परिवर्तन अणा जहाँ खाद्य योजना खाद्य जोगाण विभाग जो प्रस्ताव देते कैबिनेट आज मोहर देपे तेणु मोटामोटी कह गले गोटेपटे आरोप प्रत्यारोप राजनीति विभिन्न प्रसंग को नहीं और कृषि संपर्कित समस्या को नहीं कादुओ फिंगा राजनीति चली स्थित रही जेहेतु इलेक्शन इयर थी हूँ तो कैबिनेट किसी गुरुत्वपूर्ण मोहर लगे जो जहाँकि कैबिनेट्र बैठक पर स्पष्ट हे धन्यवाद थबे वर्तमान समस्त सूचना पाई पुणी गुरुत्वपूर्ण बैठक संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा परवर्ती पर्याय देखुले जो भाव में सचिवालय सीधा प्रसारण होगी समय मध्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक बस मुख्यमंत्री अध्यक्षतार विशेषकर जदि फोकस कालिया योजना ता सहित समवाय विभाग और खाद्य जोगाण विभाग ए तीनो विभाग उपर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति अन्य समस्या को आसवा लोकमानंकर चासो चासी उन्नति पाए राज्य सरकार भलिकी भली योजना भी करुछंती तथापि चासी मानक समस्यार समाधान होई पारुनी। गंजाम जिला कवि सूर्यनगर गुड़ियाली गांव चासी रही विभिन्न समस्या जलसेचन नहीं चासी माने नाही नथिबा असुविधा भोगुथिबा अभियोग होईछि। चासी समस्या नहीं सेमानक सहित आलोचना करिछंती आम प्रतिनिधि अजय दास। ए होउछि गंजाम जिला कवि सूर्यनगर ब्लॉक रो गुड़ियाली ग्राम जो ग्राम रो चासी मानक समस्या कहिले न सरे तेबे आज आसी पहुंची से ग्राम रे आसतु सीधा सड़क पचारि बुझा चाषी मान कौन समस्या रही कौन कह चाष कार्य को नहीं आते संतुष्ट आ सुविधा पाती चाष कम नहीं कौन प्रकार संतुष्ट ना नक न चले बोली निजर जमी खंड करवा कथा सीना करवा कथा ना जमी छाड़ विदेश पल कथा असुविधा कौन असुविधा बहुत आज पानी असुविधा तो मेन है प्रोब्लम प्रोब्लम पा भल खंदी हवा सी ओलाडु तितिली पिठई एता आसी दैव फेरे तारे करड़ा माड़ दूजे चाषी उधे पारे जापना मन पूरा विषय प्रकृति में चाषी आत्महत्या करुँच आत्महत्या करने बाध्य कि सरकार आपको ग्रहण करना कौन स्वामी स्त्री भेतर माड़ मरुँच गुरा गोटे दुर्भाग्यजनक गुड़ियाली ग्राम पंचायत पाई कि नहीं केवे आप जन बहुत आम आप मानने विडीओ को तहसिलदार को जनाई दरखास्त भी बोध दिखाई बहुत संघर्ष चलती आगे भी चलो तथा शुणा सरकार को आम मध्यम कौन अनुरोध करेंगे एवं अनुरोध कर जो तेतिली पैसा आज पर्यटन मिलना फेर कृषि ऋण छाड़ कले छाड़ करने जारी रही चाषी ये हूँ गुड़ियाली गोटे गाँव गोटे पंचायत भेतर बहुत पनीपरिया चाष भी लोक करती बर्तमान जो तेतिली आ जो वर्षा जो बर्तमान दि दिन तेज़ जो मेघुआ पाग है मेघुआ पागर मतलब लोक चाष जो पनीपरिया चाष क्षति है सरकार योजना दौ कर दौरान सत कि लोक पहुँच पार ना कारण प्रशासन मान जो मनमुखी शासन चलती जो ही कौन जिनस बर्तमान सरकार दे चीनाबादाम दे बिरी दे मुग दे बहुत जिनस दौर कि प्रकृत चाषी बर्तमान सुधा पाए मुझे गोटे दिन जाइया मुझे बादाम नहीं आसापी जे कि आम अच्छा दायित्व कृषि अधिकारी सी कहले बादाम सरी जा द्वितीय जो आसला पुणी फोन कल फोन मत रिसीव कले तेणु निराश हो फेर पड़ी जो मैंने समस्या के आज्ञा मुसित दिन 2007 रु बर्तमान 2018 चले बंदोबस्त कहीं 2007 रु 2012 भितर मो मिसेस थे सरपंच से समय बहुत आम आंदोलन करूँ बर्तमान भी आंदोलन आम चालू रही तथा कौन प्रशासन शुणा भी इच्छा ना निश्चित भाव जहाँ कहते हैं यह आंदोलन होने कौन कह प्रकृत में चाषी एठाकर सुविधा पाती कि टोटाल सुविधा तो आसी पाना सरकार जो पा बोरींग दौरान बोरींग फेलर हो बोरींग सुविधा हेल्ला होती जो आम गाँव में गुड़ियाली गाँव में शहेटा बोर खोल तीन टाका चलू तापर धान भी मंडी दिहे धान 105 के जी 103 के जी आम तो सरकार कही 105 के जी 103 के जी नबू 105 के जी देबू 103 के जी देबू तुम गमा अच्छी हेनी ए पटुआर कर धान क्विंटाल 1750 टोटाल पोषनी पीड़िया बस्ता गोटे किणले 1250 टाँग धान क्विंटाल 1750 आम 2500 टाँग कर बोली अभियोग करदेलु धान क्विंटाल किए शुणिले ऋण क्या कौन आज बैंक ऋण मिले बैंक ऋण मिलूनी बैंक ऋण न मिलने भी चाषी पैसा बांधि पा ना ठीक रे किए गोल्ड सुना ऋण पकई धरी आउे न बांधिले सीटा 11 मास पर 12 मास पलाऊँच सी तो पैसा अधिक कल तो बांधि सी नहीं धान गुंड सार ये सब मिले टोटाल किसी मिलूनी सार
ମୁଁ ଏଇ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମାଠ ଲାଗିକି ଲଗେଇ ବିଲିକି ଛଣା ଦୁଇ ବିକେଟ ଧରି ଆସିଛି। ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନହେଲେ ହେଲେ ଟୋଟାଲ ଛଣା ମିଳିନଥିଲା ମୋତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ଚାଷୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ କୁହାଯିବ କି ଘରେ ଘରେ ଚାଷୀ ହେଲେ କୁହାଯିବ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଘରେ ଚାଷୀ ବୋଲି ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବୋର୍ ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ବୋର୍ ବିଲ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟା ଯଦି ଖୋଳା ହେଲା ବୋଲେ ତିନିଟା ସେ ଭିତରେ ସକ୍ସେସ ହେଇଥିବ, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଥାଉଛି। ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରା କରେଣ୍ଟ ଚାଷୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଛାଡ଼ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର ପିଡ଼ିଆ ବିହନ ଏସବୁ ମିଳେ କି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ସାର ବିହନ କିଛି ଆମେ ପାଉନୁ। ଏବେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବୁ, ମେଡ଼ିସିନ କିଣିଲେ 100 ml କିଣିବୁ ବୋଲି ବୋଲେ 300-400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠିକି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଏ ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ ଯେତେ ସବୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମକୁ ମାଗଣା କିଛି ମିଳୁନି। କୁହାଯିବ କି ଚାଷୀ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ଭୋଗିଥାଏ, ହଇରାଣ ପ୍ରକୃତରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଏ ବିଷୟ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କି? ପ୍ରାୟ ଥର ଜଣା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷୀ କୌଣସି ଉପକୃତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଏବେ ଆମକୁ ପାଣିର ସହାୟତା, ବିହନ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଠିକ ସେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏତିକି କହିବାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏଠାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବିଭାଗର ଚେତା ପଶିବ ଏବଂ ଆଶା କରାଯିବ ଯେ ଏଠାକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ସଫଳ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଅନେକ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଚାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ପ୍ରଶାସନ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି 80ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ କଂଗ୍ରେସରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, ସେ ସବୁ ଭିତରେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସବୁଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଥିମ୍ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ସମାଜକୁ ସବୁଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିହେବ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିହେବ, ସେ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ପହଲି ବାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବତା ଦେ, ଆପ କହାଁ ସେ ଆଏ ହେଁ ଔର କ୍ୟା ଆପକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେ, जैसे आप बताना चाहते हो कि इस प्रक्रिया से हम लोग स्वच्छ भी रह सकते हैं और सुस्त समाज भी गठन कर सकते हैं, आप कहाँ से आए हैं? अमरावती महाराष्ट्र से आए। आपका प्रोजेक्ट क्या है और क्या बताना चाहते हो कि हम लोग ये प्रोजेक्ट के जरिए से कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रहें? हमारा प्रोजेक्ट नाचीरा वॉश है और जिस तरह से कि हम लोगों को पता है कि किसी भी प्रकार की स्वच्छता और हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या जो है उनकी सबकी शुरुआत हमारे हाथों से होती है, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं या हम लोग जो भी कुछ काम करते हैं वो अपने हाथों से करते हैं, तो हमारा हाथ धोना जो है ये सबसे पहला स्टेप होगा हमारे एक स्वस्थ भारत की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन हम लोग जो केमिकल हैंड वॉश जो बाहर मार्केट से लाते हैं उसमें काफ़ी अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे ट्राइक्लोजिन, SLS, और जो कि हमारे हाथों के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब है। तो हम लोगों ने यहाँ प्रोजेक्ट किया है ताकि एक चीप, एक नेचुरल और एक काफ़ी सेफ सा सब्स्टिट्यूट हम लोग ऐसी चीज़ों को दे सकें। तो हम लोगों ने नीम और सॉल्ट, जो हम लोग घर पे नमक यूज़ करते हैं, उनको टेस्ट किया है कि क्या वो एक हैंड वॉश की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। तो हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में एक एक्सपेरिमेंट करके ये पता किया कि नीम एंड सॉल्ट से 78% बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, नीम से 63 हो रहे हैं और सॉल्ट से 72% हो रहे हैं। और फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डेटॉल या फिर जो कोई भी हम लोग हैंड वॉश यूज़ करते हैं उससे सिर्फ 35% बैक्टीरिया किल होते हैं। तो यह एक चीप है सब्स्टिट्यूट, एक अच्छा सा सब्स्टिट्यूट है और इससे काफ़ी सारे बैक्टीरिया किल भी होते हैं, एंड इट्स रियली ग्रेट। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ହାତ ଧୋଇବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ, କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବି ରହିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ବି ଗଠନ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାହା ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ମିଶେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାହା କେତେ କ୍ଷତିକାରକ, ହାନିକାରକ, ଓ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ବା ହାତ ତିଆରି ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପ କହାଁ ସେ ହେଁ ଔର ଆପକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ୟା କହ ରହା ହେ?
मैं ठाणे महाराष्ट्र से हूँ और हमारा प्रोजेक्ट है प्यूबर्टी पीरियड्स एंड पोल्यूशन। तो प्यूबर्टी में गर्ल्स प्यूबर्टी चेंजेस के बारे में है, पीरियड्स में पीरियड्स के बारे क्या हाइजीन मेंटेन करना चाहिए उसके बारे में है, और पोल्यूशन जो प्लास्टिक पैड्स हम यूज़ करते हैं उसके कारण क्या पोल्यूशन होता है और हेल्थ को भी क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है उसके बारे में है। मोबाइल को स्लो पॉइजन क्यों कहा जा रहा है और आपका प्रोजेक्ट क्या कह रहा है? मैम, वी कॉल इट स्लो पॉइजन बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल विथ और विदाउट देयर नॉलेज, विच मे ऑल्सो कॉज टू डेथ वन आर द अदर डे इन द फ्यूचर। एंड ऑल्सो आर प्रोजेक्ट इज़ ऑन मोबाइल एडिक्शन एंड वी फाउंड इट मेजर इश्यू इन आवर डेज बिकॉज वी सर्वेड इन आर लोकेलिटी इन विच वी फाउंड आउट 45% ऑफ देम आर अडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स। सो वी वॉन्टेड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, सो वी क्रिएटेड अवेयरनेस इन ह्यूज स्केल एंड ऑल्सो हियर वी आर विद एन ऐप कॉल्ड अव्यासनी। Avyasini is a Sanskrit word which means non-addiction. So it is our instructor, it is our cartoon character which will instruct us and guide us to how to get de-addict. So it is initially when you download this is the logo in your home page. When you click it, this page will be opened and here Avyasini will introduce herself and then all we need to do is follow her instructions and then we have to register our name, our age, email and our phone number, and then this is the page you will get. Here you can change settings, you check your internet usage and also with 21 days plan. This is the just basic version. We are going to update it with many more features. थैंक यू मैम। थैंक यू। जमी कहते कि भाव मोबाइल बहुल व्यवहार को कमाई हे से आप आसी तो मोबाइल किभ भाव सदुपयोग करहब और मोबाइल किभली फायदा बा लाभ उठाई हे से प्रति गुरुत्व दवा दरकार ना कि मोबाइल प्रति एडिक्शन हवा निहाती आवश्यक। ये आउ गोटे जिनस देखिपर कि भाव स्मार्टफोन रहुल व्यवहार में आम देखिपर ये गोटे फ्लोर क्लीनर आम जब कह तैयारी कम खर्च जो फ्लोर क्लीनर बाहर पखापाखि 28,000-29,000 मिलूँ ता केवल मात्र 2,000 टंकारे एवं मोबाइल स्मार्टफोन सहित कनेक्ट हो कि भाव में घर सफा करिबारे साहाज्य करिबो महिला मानकु विशेष करी आखिरे रखी एटा बना है कि भाव तांकर उपयोग रे आसी पारिबो ताकु देखी बनैछंती जने कुनी वैज्ञानिक आम तांकर सहित कथा बा। आप कहाँ से आए हैं और आपका प्रोजेक्ट क्या है थोड़ा सा हमें डिटेल्स में बता। आई एम शांभवी सिन्हा रिप्रेजेंटिंग बिहार एंड माई प्रोजेक्ट इज अ सेमी ऑटोमेटेड रिमोट कंट्रोल फ्लोर क्लीनिंग रोबोट। मेनी लेडीज फेस फ्रॉम बैकबोन इशूज दीज डेज वाई क्लीनिंग द फ्लोर्स। दिस विल बी यूजफुल फॉर देम एज इट कैन बी रिमोट कंट्रोल्ड एंड इट यूजेज वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच कॉस्ट जस्ट अराउंड 0.6 rupees, इट इज 6 paisas अप्रॉक्सीमेटली। एंड वी हैव यूज आर्डुइनो बेस्ड प्रोग्रामिंग हियर, वी हैव प्रोग्राम द होल थिंग एंड वी आर यूजिंग अ ब्लूटूथ कंट्रोलर। Any smartphone can be used for this and it has reusable mops which could be reused again and again for मल्टीपल यूजेस। खाली एतिक नुहे विभिन्न प्रकार प्रकल्प रही कि समस्त वार्ता सामान रही समस्त प्रकल्प सामान बार्ता रही कि भाव में क्लीन ग्रीन एवं हेल्दी नेसन गठन कर। भुवनेश्वर कैमेरामैन चेतन स्वाई निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया। आपण माने देखि पारुथिले 80 प्रकल्प स्थान प्रदर्शित होउछि एवं कुनी कुनी वैज्ञानिक माने छोट छोट वैज्ञानिक माने किभळी विभिन्न उपाय रे वैज्ञानिक पद्धति रे एई प्रकल्प गुडीक प्रदर्शित करिछन्ती एवं स्वागत योग्य पदक्षेप समस्त प्रशंसा मध्ये करुछन्ती ए विज्ञान प्रकल्प को देखिबा परे। एबे आसंतु जिबा लोअर पीएमजी को जेठी जारी रहिछि ऑल ओडिसा लेडीज वर्कर्स एसोसिएशन रो धारणा 34 दिन हैला लोअर पीएमजी रे माने धारणा रे बसिछन्ती 12 दफा दाबी नै धारणा जारी रहिछि और मासिक वेतन 18,000 और सरकारी चाकरी मान्यता पाई दाबी करिछि एही एसोसिएशन। लोअर पीएमजी अछंती हम प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय तांको पाखु जिबा। सुमंत, जे माने 34 दिन हेलानी लोअर पीएमजी रे खरा वर्षा शीत विशेष करी शीत कुहुडी भितरे समाने रहउछंती शीत काकरे राती तमाम समाने पड़ी रहउछंती कोन समानकर दाबी रहिछि मुश्किल हे गेलानी जाडा पड़ुछि एवं छिडाला माने पूरा देहात कोलास होइ जाउछि सेभले स्थिति रे एटी बर्तमान जोरदार प्रतिवाद होउछि आउ गांधी मार्ग रे एमाने 34 दिन हेबो धारणा रे बसिलेनी। आम प्रथम चित्र देखेबु जे किबोल रहिछि गांधी मार्ग रो परिवेश रहिछि ए जो ऑल ओडिसा अंगनवाड़ी लेडीज वर्कर एसोसिएशन भारतीय मजदूर संघ सहित संलग्न जे माने अंगनवाड़ी कर्मी सेमाने आछन्ती एवं प्रत्येक दिन 2 lakh जिले जिलार कर्मी मैंने एकाठी होती मैडम मोटामोटी दाबी कौन रही डिमांड कौन रही आमर डिमांड रही आमको सरकारी कर्मचारी मान्यता दि जाऊ जेपर्यंत सरकारी कर्मचारी न करती
कर्मी मान मसिक 18,000 टाँचा सहायिका मान 9,000 टाँचा दि जाऊ जो मिनि अंगनवाड़ी रखिंट से अंगनवाड़ी कर्मी मैंने बहुत असुविधार सम्मुखीन होती तेणु तक सहायिका दि जा सहित अंगनवाड़ी कर्मी सामान दरमा दि जाऊ आमको ग्रीष्म दिन एक मस ग्रीष्म छुट्टी दि जाऊ गरम रंधा खाद्यर मूल्य वृद्धि कराऊ आम सरकारी कर्मचारी नुहे कि आमको समस्त सरकारी सुविधा कौन ना सरकारी सुविधा भी दि जाऊना कि अवसर बयस सीमा 60 रखा जाए तेणु से अवसर बयस सीमा को 65 वर्ष करवसर कालीन सहायता राशि 2,00,000 टाँचा दि जाऊ डिमाण्ड रही 12 दाबी रही कहीं ग्रहण होनी आप 14 दिन धारण रोचे आज्ञा ये राजनीतिकरण हो सरकार जो माँ को सम्मान गाँ को कम कहते के माँ मान सम्मान दौंती राजधानीवासी समस्त गणसंघ डिमाण्ड फुलफिल होता है सरकार ग्रहण करते असुविधा कौन गत थर केवल से आमको 2,000 टाँचा जो दौरान भत्ता दरमा से 2,000 बढ़े मात्र अगर डिमाण गुड़ाक मानि ने समय मागिदे आम कथा को विश्वास कर समय देलु गोटे वर्ष बीतीगला पर सेप्टेम्बर 7 तारीख आम पुणी आंदोलन को ओल्लू से दिन मंत्री सेक्रेटरी डायरेक्टर सहित आम 2-2.5 घंटा आलोचना होता मैडम आप कौ जिले अच्छा केन्दूर जिला आज्ञा आमर तो बहुत असुविधा होमर वर्षे ते आम एम बसीु आमको मान्यवर मुख्यमंत्री आमको 2,000 टाँचा बढ़े थे 2,000 टाँचा भी देते कथ को आम सम्मान लेकिन से 2,000 लेकिन भी आम खुशी गलु आय डिमाण्ड आम जो फुलफिल कर कष्ट बर्तमान जो पड़ी रही काकर कष्ट बहुत कष्ट आज छोट छुआ धरिकी भी माँ मैंने आसिक बस रातिर ये राति जापन भी हम बहुत तो थंडा हो हाथ गोड़ कलाप्स हो जा कष्ट होउछि मैडम देह हाथ फुली जाउछि गंठी बथा होउछि ठंडा दुगुरु मैडम कौन कहे जे लाकुना कोट होउछि एपर तो सरकारी स्तर पर आलोचना हलाड़ी कि नहीं सर सरकारी कल रे आलोचना है नहीं किंतु आमर जनरल सेक्रेटरी को एबे गत 2 दिन आगरु फोन आसिला जे विभागीय मंत्री आपण मानको डकेबे आपण माने लिस्ट दियंतु आउ जनरल सेक्रेटरी जी आमर सुमिता महापात्र रहिचंती से तांको आमर 64 जणकर गोटे समस्त डिस्ट्रिक्ट रु लिस्ट देथिले कथबार्ता आलोचना हबार थिला किंतु ए भितरे राजनीतिकरण करिकि गोटे रहिचंती दल से माने कहले काले बीएमएस तार माइलेज नै जीवो आपण को भितरे फाटो अछि बीएमएस गोटे पटे सीटू गोटे पटे पुणी गोटे सामुख्य गोटे पटे एते मोटामोटी तीनोटी संघ रहिछि कार कथा को सरकार ग्रहण करिवे आपण सरकार को दोष दोछन से बळे आपण को त्रुटि अछि कि नै आपण को संघ भितरे फाटो अछि कि नै सर देखंतु अंगनवाड़ी वर्कर समस्तक डिमांड समान चाहे से बीएमएस हो सीटू हो किंबा अन्य संगठन हो समस्त को से डिमांड चाहिए आम जो डिमांड नहीं कि आसीचु से माने से डिमांड उपस्थापन करदी अन्य डिमांड रही द्वारा से माने उपस्थापन करंतु तो अंगनवाड़ी कर्मी मिनि अंगनवाड़ी कर्मी हूँ कर्मी हूँ अंगनवाड़ी संघर कर्मकर्ता आपण आपण भितर तीनो संघ पुणी हजार हजार मानते कह 12 दबी कह 15 दबी आपण भितर मेल खाऊनी सरकार क्या दबी ग्रहण करेंगे सर शुणु गोटे अंगनवाड़ी वर्कर ग्रास रूट रु नहीं कि टॉप लेवल पर्यंत काम करुची सरकार समस्त काम को से सक्सेस करौची तेणु सरकार जाणी जीवार कथा जिते बेले नियम तैयारी करुचंती राज्य सरकार एत गुड़ाए काम अंगनवाड़ी वर्कर करुचंती कम से कम 60 वर्ष जो मैंने रिटायर करुचंती रिटायरमेंट बेनिफिट आम जो डिमांड रही गत थर सरकार मानी आमे दबू आमको समय दि जाऊ ताकु दे दबा कथा ग्रीष्म अवकाश जो छुट्टी रहुची ग्रीष्म छुट्टीटा को आमको दे दबा कथा मिनि अंगनवाड़ी कर्मी को कर्मी करबारे कौन ये ना कार्यरत पीरियड रे वर्कर मरुचंती वर्कर को परिवार को आमे 5 लाख डिमांड करछु ताकु मध्य से दे पारिबे आपनकर सर्वनिम्न मजूरी आमे जो डिमांड करछु अन्य अन्य राज्य रे आगे 10,500 11,000 13,000 पेमेंट हेलाणी आम राज्य सरकार काहे कि दे पारिबो नाही तेणु जो संगठन जहाँ भी करू ए डिमांड भूमिका कौन रही आपण जो कहछु आगु भूमिका कौन आम आंदोलन जारी रहिबो आपण देखुथिले ऑल ओडिशा लेडीज वर्कर्स आसोसिएशन जो दाबी करिछंती किंतु दुखर कथा 34 दिन हेबो सेमाने जाड़ शीत भितर काकर भितर राति काटुछंती दिन काटुछंती किंतु सेमानक दाबी सुनबा को केहि नाहंती आमे आशा करबा सबु समस्या उपरे प्रशासन नजर पकांतु एवं सेमानक समस्तक समस्या दूर हेउ समय छि बुलेटिन को ए छखुछु नमस्कार।